हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स को एक्टिवेट किया जाता है, कैसे अनाउंस किया जाता है और उसके बाद उसको टर्मिनेट कैसे किया जाता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोड पिंक की एक्टिवेशन कैसे होती है, कोड ब्लू की एक्टिवेशन कैसे होती है और टाइप्स बताए थे इमरजेंसी कोड्स के, साथ ही साथ उसके सीक्वेंस ऑफ एक्शन बताया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आई बटन में, ठीक है? तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ को एक्चुअल में नहीं पता होता है कि कैसे प्रॉपर वे में, कैसे करेक्ट मैनर में आपने ये कोड्स को एक्टिवेट करना होता है, कैसे आपने अनाउंस करना है और उसके बाद कैसे टर्मिनेट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है? तो ये एक तरीके के एनकोडिंग मैसेजेस होते हैं जो कि पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम के थ्रू अनाउंस किए जाते हैं स्टाफ को अलर्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये बहुत ही कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाना इन कोड्स का काम होता है, राइट? तो ये कोड्स को अनाउंस करने का एक प्रॉपर मैनर होता है। हम किसी भी तरीके से कोड्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप मॉक ड्रिल करवाएं तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि आपने कोड्स अनाउंस कैसे करने, कैसे उसको एक्टिवेट करोगे, क्योंकि ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं, फर्दर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ अलर्ट कैटेगरी, ठीक है? अलर्ट कैटेगरी में आप बताएंगे कि किस तरीके का अलर्ट है, अलर्ट का टाइप क्या है, जैसे कि मेडिकल अलर्ट। तो मेडिकल अलर्ट में आपका क्या आता है, कोड ब्लू, ठीक है? फैसिलिटी अलर्ट, ऐसे ही सिक्योरिटी अलर्ट। इस तरीके के डिफरेंट कैटेगरीज के अलर्ट्स होते हैं जो कि आपने स्टार्टिंग में अनाउंस करने होते हैं। तो सेकंड जो है दैट इज स्पेसिफिक कोड डिस्क्रिप्शन। तो किस तरीके की इमरजेंसी आपके कोड को डिनोट कर रही है, ठीक है? जैसे कि हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कोड ब्लू का। तो कोड ब्लू किस इमरजेंसी को डिनोट कर रही है, कार्डियक अरेस्ट को। कोड रेड किसको करती है, फायर को। तो हम डायरेक्टली फायर तो अनाउंस कर नहीं सकते, ठीक है? इसीलिए हम कोड्स अनाउंस करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज लोकेशन। तो लोकेशन बताना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में, किस लोकेशन पे ये इमरजेंसी हुई है। तो थर्ड, जहाँ पे ये घटना होती है, जहाँ पे ये इमरजेंसी होती है, वहाँ के लोकेशन को आपने अनाउंस ज़रूर करना है, ठीक है? अब ये तीनों को मिला के, ये तीनों कंपोनेंट्स को मिला के मैं आपको एक एक्ट करके दिखाती हूँ। एक्ट नहीं, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अनाउंस और एक्टिवेट कैसे करना है, राइट? तो ये थ्री कंपोनेंट्स जब भी मैंने बताए, इसको ध्यान रखिए क्योंकि अभी जस्ट मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अनाउंस करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, रूम नंबर 231। मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, रूम नंबर 231। मेडिकल अलर्ट, कोड ब्लू, रूम नंबर 231। ओके, इस तरीके से आपने अनाउंस करना है। मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने अपने पेन को यूज़ किया, ठीक है? तो इस तरीके से आप कोड्स को अनाउंस करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे और आप जो बोलेंगे दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है? और इन कोड्स को अनाउंस करने के लिए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि 30 सेकंड्स के लिए आपने थ्री के सेट्स में इसको अनाउंस करना है, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया, ठीक है? फॉर 2 मिनट्स, इस चीज़ को याद रखिए, राइट? किसी भी तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप इन कोड्स के साथ अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब रही बात कि आपने कोड्स अनाउंस कर दिए, ठीक है? अनाउंस करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थ्री स्टेप्स हैं ये प्रोसेस की। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अनाउंसमेंट होगी। सेकंड स्टेप, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है? वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ तो आप वो देख लीजिएगा। एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन, आप कोड्स को टर्मिनेट कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपने एक्टिवेट कर दिया, देन सीक्वेंस ऑफ एक्शन किए, अब आप टर्मिनेट कैसे करेंगे कोड्स को। तो आपने देखा कि आपके हॉस्पिटल में कोड्स अनाउंस हुआ,
एक्शंस हुए और सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो आपके हॉस्पिटल का स्टाफ जो है जहाँ पे पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम लगा होगा वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देगा कि आप सभी को बता दीजिए कि कोड जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इसको आप अनाउंस कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इस वीडियो के लिए ये मेरा पीए सिस्टम है, तो अब मैं आपको टर्मिनेशन अनाउंस करके बताऊँगी, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा और हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाइएगा कि आपने किस तरीके से इसको कंडक्ट करवाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टिल एंड। ओके, तो ध्यान से देखिए, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू रूम नंबर 231 क्लियर, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू रूम नंबर 231 क्लियर, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू रूम नंबर 231 क्लियर, ठीक है? तो ये लास्ट वाली चीज आपने बतानी है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन है सब कुछ स्टेबल हो चुका है और हमारा कोड जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है। इस ओवरऑल प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? एक्टिवेशन और टर्मिनेशन बहुत 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 जरूरी है। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स के बारे में, वो है इनकी मॉक ड्रिल्स। तो इनकी मॉक ड्रिल्स जो है साल में 2 बार होनी बहुत जरूरी है और इसके रिकॉर्ड को आप मेंटेन करके रखें, एक फाइल लगाएं उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स को रखते जाएं और ज़रूरत पड़ने पर असेसर्स को इनको दिखा दें अगर वो मानते हैं तो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।